नमस्कार, मैं हूं आशु और आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर भी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जल बचाने के लिए देशवासियों से अपील की थी। बिजनौर भारतीय जनता पार्टी सदर विधायक के पति ने जल संरक्षण के तहत अपने लोगों के साथ तालाब के सफाई अभियान में खुद जुट गए हैं। उधर तालाब की सफाई से ग्रामीण खुश भी दिखाई दे रहे हैं। यह है बिजनौर जिले की बिजनौर विधानसभा का गांव वाजिदपुर। गांव में मौजूद सैकड़ों साल से ये तालाब है, लेकिन समंदर सोक नाम की घास ने तालाब को गंदा बनाकर रखा है। पूरे गांव का पानी इसी तालाब से जाता है, लेकिन तालाब की सफाई नहीं होने के कारण गांव वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों ने बिजनौर विधानसभा के विधायक सूची चौधरी के पति ऐश्वर्य चौधरी उर्फ मौसम से तालाब साफ करने की बात कही तो विधायक पति ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही तालाब की सफाई कराई जाएगी। उधर भारतीय जनता पार्टी विधायक पति ने पीएम मोदी की जल संरक्षण योजना को धरातल पर उतरने का बीड़ा उठाया है तो जिले के अफसरों में हड़कंप मच गया है। विधायक पति भारतीय जनता पार्टी नेता ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गांव में तंबू गाड़ दिया और ऐश्वर्य चौधरी अपनी टीम के सैकड़ों सदस्यों को लेकर खुद तालाब में उतर गई और 35 बीघे के बड़े इस तालाब को साफ करने की ठान ली। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी नेता ने 10 ट्रैक्टर ट्रॉली भी लगाई ताकि तालाब से निकलने वाली घास अन्य जगह जाकर डाल दी जाए। तालाब से निकलने वाले पानी के लिए टिल्लू पंप का भी प्रयोग किया गया। भारतीय जनता पार्टी नेता ने तालाब की सफाई करने की सूचना जब जिले अफसरों को लगी तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी शायद देश के ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जल संरक्षण योजना को धरातल पर उतारा है। ये सरकार का काम है और आप बीजेपी की तरफ से ये काम कर रहे हैं, तो क्या सरकार को इसमें आपका सहयोग करना चाहिए? देखिए, सरकार हर कार्य में सहयोग कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले से जब ये आह्वान किया था कि जन जागरण के लिए, कि जन संरक्षण पे हमें समस्त समाज को एक जागृति आए, उनका जो आह्वान था उस आह्वान के तहत ये कार्य हो रहा है। सरकार सभी कार्यों में भूमिका निभा रही है। ऐसा नहीं है कि इस कार्य में के लिए उन्हें सूचित ना किया गया, इस कार्य के लिए भी सूचित किया गया। उसके उपरांत यहाँ सुबह सफाईकर्मी आए थे, अभी वो फिर थोड़ी देर के लिए शायद नाश्ते पानी के लिए निकले हों। इस बारे में इतला दे दी गई है कि उन्हें तुरंत वापस कार्य पर लगाया जाए। आप क्या इसी एक तालाब कड़ा बजीतपुर का इसी का साफ करेंगे, क्या और भी तालाबों को आपने मुहिम में लिया है? देखिए, इस बिजनौर विधानसभा का ये सबसे बड़ा तालाब है और सबसे लंबे टाइम से ये अटा हुआ था और काफ़ी लंबे समय से इसकी समस्याएं सामने आ रही थी, तो ये एक पहली शुरुआत की गई है। इस शुरुआत में ईश्वर का से यही प्रार्थना है कि यही ग्रामवासियों का सहयोग आगे भी मिला तो ये सुचारू रूप से इसे समस्त तालाबों की और हिम्मत के साथ बढ़ा जाएगा। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में शायद पहली विधानसभा है जहाँ पर ये इस तरह का काम आप कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? सब लोगों का प्यार मोहब्बत है, क्षेत्रवासियों का प्यार मिल रहा है, इसलिए मेरी भी हिम्मत बढ़ रही है ये कार्य करने के लिए। सहयोगी